सो नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल बोस में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आज मैं आपको एक अल्टीमेट ट्रिक के बारे में बताने वाला हूँ। इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को लाइक करना और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अब दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं ट्रिक क्या है। दोस्तों यदि आपको डर रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके मोबाइल की जो कॉल हिस्ट्री है या फिर जो मैसेजिंग है उसको कोई घर वाला चेक ना कर ले, आपके बॉयफ्रेंड के या फिर आपकी गर्लफ्रेंड के, है ना। आप यदि लड़की हो तो आपको टेंशन होगी कि मेरे बॉयफ्रेंड की कॉल हिस्ट्री या फिर मैसेज कोई चेक ना कर ले घर में। यदि आप जो है एक लड़के हो आपको अपनी गर्लफ्रेंड की होगी, है ना। लेकिन यहां पर आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बता दूंगा कि कोई चाहकर भी जो नंबर आप अपने मोबाइल में सेट कर दोगे उसकी कोई कॉल हिस्ट्री आएगी ही नहीं आपके मोबाइल में, है ना। कॉल तो आएगी लेकिन कॉल हिस्ट्री शो नहीं करेगा, और यदि उसका कोई मैसेज भी आएगा वो मैसेज तो आएगा लेकिन वो शो नहीं करेगा। उसको सिर्फ आप और आप ही खोल पाएंगे, वो भी केवल ट्रिक लगाकर। वो ट्रिक कैसे यूज करनी है आपको, उसके लिए इस वीडियो को ध्यान से देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये ट्रिक लाइफ में किसी भी टाइप काम आ सकती है, इसलिए ध्यान से देखना। एक बार आपको सीख तो जरूर लेनी चाहिए इसको पूरा देखकर, है ना। तो इस ट्रिक से आप किसी भी मैसेज को या फिर किसी भी कॉल हिस्ट्री को प्राइवेट बना सकते हो, केवल एक ट्रिक लगाकर ही खुलेगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन डाल के रखनी है, ये वाली, ओके। इस एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसको नेक्स्ट कर लेंगे। इस एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, बार बार कह रहा हूं, है ना। आप इसको नेक्स्ट कर लेंगे। कुल मिला के आपको ये एप्लीकेशन ओपन करनी है, जो जो कुछ भी निर्देश देगी वो निर्देश सभी आपको फॉलो करने हैं, ओके। इसके बाद यहां पर ये सभी परमिशन होंगी, इसको आप गोटेड कर देंगे। तो ध्यान से देखना है, इस एप्लीकेशन को आप यूज नहीं कर पाएंगे यदि आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे, है ना, इसलिए इसको ध्यान से समझना है। फाइनली आप इस एप्लीकेशन का एक पिन कोड बना लेंगे। ये पिन कोड क्या है अभी आपको पता चल जाएगा, है ना। जैसे मैंने बना लिया 1234, ओके। इसके बाद आप इसमें सबमिट कर देंगे। इसके बाद ये पूछेगा आपसे कि इसका जो आइकन है वो हाइड करना है कि, तो आपको आइकन जरूर हाइड करना है, ठीक है। इस वाले यहाँ पर कॉलम पर क्लिक करेंगे और इसके आइकन को हाइड कर देंगे। इसके बाद ये आपको बताएगा कि 1234 डायल करने से ही एप्लीकेशन ओपन होगी, अदरवाइज कहीं भी एप्लीकेशन मोबाइल के अंदर नहीं मिलेगी। इसके बाद ये कैसे होगा मैं अभी आपको बताऊंगा। इसके बाद यहाँ पर ये ऑप्शन आएगा, ओके, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करने के लिए, मैसेज रिकवरी के लिए। इसको नोट डाउन कर देंगे और सभी टर्म एंड कंडीशन इसकी एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद ये एप्लीकेशन जो है आपसे मोबाइल नंबर मांगेगी, वो देना या मत देना वो आपकी मर्जी है। फाइनली एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी, और अब आप देखेंगे एप्लीकेशन ओपन होने के बाद आपके मोबाइल में ये एप्लीकेशन कहीं भी नहीं दिखाई देगी। ये एप्लीकेशन कैसे खुलेगी अब ध्यान से देखना, इसको यूज कैसे करना है वो ध्यान से देखना। आपको जाना है अपने डायलर पैड में, यहां पर डायल करना है 1234। जैसे ही आप ये डायल करेंगे जो एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाएगी, नंबर तो डायल नहीं होगा, ये एप्लीकेशन है। अब इस एप्लीकेशन में आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है प्लस का निशान मिलेगा, यहाँ से वो सभी कॉन्टैक्ट को आपको ऐड कर देना है इस एप्लीकेशन के अंदर जिनको आप प्राइवेट बनाना चाहते हो। यदि उनका कोई कॉल या फिर मैसेज आए उसकी कोई हिस्ट्री आपके मोबाइल में ना दिखाई, ना ही मैसेज में, ना ही कॉल हिस्ट्री में, ना ही इनकमिंग कॉल में, ना ही आउटगोइंग कॉल में, वो कहीं भी कुछ नहीं होगा, आप यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का नंबर ऐड कर सकते हो या फिर जिसका चाहे उसका। इसके बाद आप इसको ऊपर की साइड से ओके कर देंगे या फिर नीचे की साइड इसमें मिल जाएगा सेव कॉन्टैक्ट, ओके। तो आप यहां से इसको सेव जो है कर देंगे। सेव करने के बाद आपको करना क्या है अब ध्यान से देखना है दोस्तों, है ना। इसके बाद अब आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस इस एप्लीकेशन में नंबर ऐड करके छोड़ देना है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा, है ना, कि ये काम कैसे करती है एप्लीकेशन। मैं यहाँ पर क्या काम करूँगा, जो मेरा दूसरा जो मैंने नंबर ये ऐड किया इस एप्लीकेशन में, इस नंबर से अपने पास एक कॉल करूँगा, है ना। चलिए मैंने नंबर डायल कर दिया है, ओके। तो जो नंबर हमने अभी इस एप्लीकेशन के अंदर ऐड किया, इस नंबर से कॉल आएगी जिस नंबर का नाम है घर माई जियो, ओके। तो चलिए घर माई जियो से देख सकते हो आप कॉल आ चुकी है, है ना। ये मैं आपको लाइव एक्सपेरिमेंट दिखा रहा हूँ। सपोज कीजिए ये जो है आपके किसी भी चहेते की कॉल है, है ना, जैसे मेरी घर माई जियो के नाम से है। तो चलिए कॉल कट कर दी। अब इसके बाद यदि आप देखेंगे इसका कोई भी हिस्ट्री नहीं है, आप देख सकते हो केवल दो ही नंबर डायल है ना। इसके बाद चलिए मैं इस जो ये नंबर मैंने ऐड किया, इस नंबर से अपने पास एक मैसेज करता हूँ अब, हाउ आर यू करके, है ना। तो आप देखना उस मैसेज का क्या मतलब, वो दिखाई नहीं देगा, आप देखना, लाइव देखना। आप देख सकते हो ऊपर नोटिफिकेशन आ चुका है, मैसेज आ चुका है। यदि आप डायरेक्ट यहाँ पर नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो मैसेज नहीं खुलेगा, डायलर पैड खुलेगा। पहले मैं आपको दिखा दूँ अपने मैसेज एप्लीकेशन के अंदर, आप देख सकते हो मैसेज के अंदर भी नहीं आया ये, है ना। चलिए अभी इसको कैसे देखेंगे कि मैसेज क्या था, फिर वही 1234 डायल करेंगे।
ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर वो मैसेज दिखाई देगा हाउ आर यू, यानी कि एप्लीकेशन भी दिखाई नहीं देगी, केवल 1234 करने से, डायल करने से ही एप्लीकेशन खुला करेगी। इस एप्लीकेशन के अंदर से ही अब आप कॉल किया करेंगे, मैसेज किया करेंगे, इसके अंदर ही मैसेज आया करेगा आपका, इसके अंदर आपकी कॉल आया करेगी, है ना। और ये एप्लीकेशन कहीं भी दिखाई नहीं देगी, इसका केवल एक सीक्रेट कोड होगा 1234, जितने नंबर हो सकता है आप ऐड कर सकते हो, इस तरह से मैंने आपको दिखाया है ना। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो नमस्कार दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।